नमस्कार, मैं हूं आशीष और आपका हमारे YouTube चैनल AOA Academy में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे 11th क्लास का ये 9th लेसन है, कैन वी स्टॉप द अर्थक्वेक्स। क्या आप भूकंप को रोक सकते हैं? क्या हम भूकंप को रोक सकते हैं? तो यहाँ पर ये जो लेसन है ये भूकंप के बारे में है और वर्तमान जो इसकी परिस्थितियां हैं और जो भविष्य में जो परिस्थितियां होने वाली हैं और वर्तमान में जो परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में, उन सब की यहाँ पर व्याख्या करी गई है। और ये जो लेशन है बहुत ही बढ़िया है। कुछ मीनिंग इसके ऐसे हैं जो थोड़ा हो सकते हैं आपको हार्ड लगें, और इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा लेशन बहुत ही सिंपल है और इसको स्टडी करने में बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस लेशन को, और पूरा समझने के लिए, वर्ड बाय वर्ड समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, और इसके जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है जो हम आपको बताएंगे उनको आप नोट भी करते जाइए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखें, जो शुरुआत होती है वो ब्रैकेट में आप देखिए, डेथ ऑलवेज लर्क्स अराउंड लाइफ। डेथ मीन्स होता है मृत्यु, ऑलवेज हमेशा, लर्क्स लर्क्स मीन्स होता है मंडराना या चारों ओर घूमना। अराउंड लाइफ यानी कि मौत है वो जिंदगी की चारों ओर हमेशा घूमती रहती है, या यूं बोलें कि जिंदगी के ऊपर हमेशा मौत मंडराती रहती है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार, जर्म्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के कीटाणु या जिंदगी के रोगाणु, आर इन ए कंटिन्यूस स्ट्रगल, लगातार संघर्ष में रहते हैं। विद द जर्म्स ऑफ डेथ, मृत्यु के कीटाणुओं के साथ में, इनसाइड एवरी लिविंग बॉडी, प्रत्येक जीवित शरीर में। इसको आप ऐसे समझेंगे, जर्म्स में होता है कीटाणु या रोगाणु आप कह सकते हैं। और यहाँ पर देखें कि लिविंग बॉडी यानी जीवित शरीर में, तो इसका जो भावार्थ होगा सेकेंड लाइन का वो आप देखिए, जर्म्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के कीटाणु, आर इन ए कंटिन्यूस स्ट्रगल, स्ट्रगल में होता है संघर्ष, लगातार संघर्ष में होते रहते हैं या निरंतर संघर्ष में रहते हैं। विद द जर्म्स ऑफ डेथ, मृत्यु के कीटाणुओं के साथ में, इनसाइड एवरी लिविंग बॉडी, प्रत्येक जीवित शरीर के अंदर, इनसाइड मीन्स होता है अंदर। आगे देखिए, सच अनदर डेंजर ऑफ डेथ दैट थ्रेटन्स ह्यूमन लाइफ इज द अर्थक्वेक। सच, इसी तरह का एक दूसरा जो खतरा है मृत्यु का, डेंजर मीन्स होता है खतरा, ऑफ डेथ मृत्यु का जो दूसरा खतरा है, दैट थ्रेटन्स अस, जो हमें डराता है ह्यूमन लाइफ को यानी कि मानव जीवन को जो डराता है, इज द अर्थक्वेक, वो है भूकंप। थ्री टेंस में होता है धमकी देना, डराना, और लाइफ मीन्स जीवन, और अर्थक्वेक मीन्स भूकंप होता है। तो इसका जो भावार्थ होगा, सच अनदर डेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु का जो दूसरा खतरा है या दूसरे खतरे हैं, दैट थ्रेटन्स ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन को चेताते हैं या धमकी देते हैं या यूँ बोले डराते हैं, इज द अर्थक्वेक, वो भूकंप है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, हैव सो फार फेल्ड टू कंट्रोल इट। जो वैज्ञानिक हैं वो अभी तक इसको नियंत्रित करने में असफल हुए हैं। एट द मोस्ट, लगभग, इतना ही नहीं, दे क्लेम टू हैव सम सक्सेस इन प्रिडिक्टिंग इट, दे क्लेम टू हैव सम सक्सेस इन प्रिडिक्टिंग इट। वे दावा करते हैं कि उन्हें भूकंप के पूर्वानुमान लगाने में कुछ सफलता हाथ लगी है या कुछ सफलता प्राप्त हुई है। प्रोडिक्टिंग मीन्स होता है पूर्वानुमान लगाना, क्लेम मीन्स होता है दावा करना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इसका भावार्थ हो गया। आगे देखिए, जो इसका फर्स्ट पैरा है, देर इज एन एनेमी बीनीथ आवर फीट, एन एनेमी द मोर डेडली फॉर हिज कंप्लीट इम्पार्स सियरिटी। यहाँ पर देखिए, देर इज एन एनेमी बीनीथ आवर फीट, एक शत्रु हमारे पैरों के नीचे है। बीनीथ मीन्स होता है नीचे, एनेमी मीन्स शत्रु और फीट माने पैर। एन एनेमी द मोर डेडली फॉर हिज कंप्लीट इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता, जो अपनी पूर्ण निष्पक्षता के लिए मोर डेडली, ज्यादा खतरनाक शत्रु है। ही रिकॉग्नाइज नो नेशनल बाउंड्रीज, वह किसी भी राष्ट्रीय सीमाओं, नो पॉलिटिकल पार्टीज, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी को मानता है। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है मानना।
ही रिकॉग्नाइजेस नो नेशनल बाउंड्रीज, वह किसी राष्ट्रीय सीमा, नो पॉलिटिकल पार्टीज और ना ही किसी राष्ट्रीय दल को मानता है। एवरीवन वन इन द वर्ल्ड इज थ्रेटन्ड बाय हिम, हर कोई दुनिया में उससे भयभीत है, उससे डरा हुआ है। एवरीवन हर कोई इन द वर्ल्ड, संसार में, दुनिया में इज थ्रेटन्ड बाय हिम, उससे डरा हुआ है। द एनिमी इज द अर्थ इटसेल्फ, शत्रु पृथ्वी स्वयं है। इसका जो भावार्थ होगा वो देखिए, द एनिमी इज द अर्थ इटसेल्फ, यानी कि शत्रु पृथ्वी स्वयं है। व्हेन एन अर्थक्वेक ऑक्योर्स, जब एक अर्थक्वेक आता है, यानी कि जब एक भूकंप आता है, ऑक्योर्स मीन्स होता है घटित होना। द होल वर्ल्ड ट्रेम्बल्स, तो पूरी दुनिया कांप जाती है। ट्रेम्बल्स मीन्स होता है कांपना, होल माने होता है पूरी या पूरा। होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया कांप जाती है। द पावर ऑफ ए क्वेक, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, क्वेक का जो भावार्थ होता है वो कंपन, भूकंप, दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस कंप। इसी तरह जो अर्थक्वेक है वो भी दो वर्ड से मिलकर बना है, अर्थ प्लस क्वेक। तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं भूकंप, और यदि अर्थ को हम निकाल दें अर्थक्वेक से, तो आपको वहाँ से भूकंप से भू निकाल देना है। तो इस तरह जो क्वेक का अर्थ होगा वो हो जाएगा कंप। पावर ऑफ ए कंप क्वेक, यानी कि जो कंपन की जो पावर है, जो शक्ति है, इज ग्रेटर देन एनीथिंग मैन हिमसेल्फ कैन प्रोड्यूस। उस कंपन की जो शक्ति है वो मानव द्वारा निर्मित की गई किसी भी शक्ति से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा विशाल है। ग्रेटर देन एनीथिंग मैन हिमसेल्फ कैन प्रोड्यूस, यानी कि इंसान ने किसी भी चीज़ से इतनी शक्ति को पैदा नहीं किया है जितनी शक्ति उसकी होती है। आगे देखें, टुडे, बट टुडे, लेकिन आज, साइंटिस्ट आर डायरेक्टिंग मोर ऑफ देयर एफर्ट्स इनटू फाइंडिंग सम वेज ऑफ कॉम्बैटिंग अर्थक्वेक्स, लेकिन वैज्ञानिक डायरेक्टिंग मोर ऑफ देयर एफर्ट्स, लगातार प्रयासरत हैं इनटू फाइंडिंग सम वे, कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए, ऑफ कंट्रोलिंग कॉम्बैटिंग अर्थक्वेक्स, ताकि भूकंप से लड़ा जा सके। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भूकंप की जो हानिकर प्रभाव हैं उनका सामना करने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए। एंड इट इज पॉसिबल, और यह संभव है, दैट एट सम टाइम इन द नियर फ्यूचर, कि आने वाले भविष्य में मैनकाइंड विल हैव डिस्कवर्ड ए मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ, कि मानव जाति अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, इससे सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्टिंग मीन्स होता है सुरक्षित करने के लिए, डिस्कवर्ड मीन्स होता है खोज लेगा, कोई ना कोई स्रोत खोज लेगा। डिस्कवर्ड ए मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ, यानी कि इस भूकंप से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मानव जाति कोई ना कोई तरीका खोज लेगा या कोई ना कोई स्रोत खोज लेगा। तो ये फिर देखते हैं, ये फर्स्ट पैरा का भावार्थ हो गया। आगे देखिए, एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स विदाउट वार्निंग, स्ट्राइक्स का मतलब होता है हमला करना, यानी कि एक जो भूकंप है वो बिना वार्निंग, बिना चेतावनी के हमला करता है। व्हेन इट डज, जब यह हमला करता है, इट्स पावर इज इमेंस, इसका जो, इसकी जो शक्ति है वो बहुत तीव्र होती है और बहुत ही घातक होती है। इमेंस मीन्स होता है तीव्र होना, बहुत ही घातक होना। इसकी जो शक्ति है वो बहुत घातक होती है। इफ़ इट स्ट्राइक्स ए मॉडर्न सिटी, यदि ये किसी आधुनिक शहर में हमला करता है या किसी आधुनिक शहर में आता है, द डैमेज इट काजेज इज एट गेज एट इफ इट हैज़ स्ट्रक ए प्रिमिटिव विलेज, कि जो डैमेज है, जो नुकसान है, जो विनाश है, उसके इट काजेज इज एज ग्रेट, वो इतना बड़ा होता है कि इफ़ इट हैज़ स्ट्रक ए प्रिमिटिव विलेज, कि वह इसको प्राचीन गांव में तब्दील कर देता है जहां पर कोई सुविधाएं नहीं होती हैं, यानी कि सब कुछ उबड़ खाबड़ हो जाता है, और जो वर्तमान जो मॉडर्न सिटी हैं, जो आधुनिक शहर हैं, उन पर अगर इस तरह का अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो एक वो गांव की तरह तब्दील हो जाता है जहां पर कोई व्यवस्थाएँ नहीं होती हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त रहता है। गैस मैंस बस्ट, मैंस मीन्स होता है पाइपलाइन, गैस की जो पाइपलाइन है वो फट जाती है, बस्ट मीन्स होता है फट जाना। एक्सप्लोशंस आर कास्ट, धमाके हो जाते हैं, धमाके होते हैं। एक्सप्लोशन मीन्स होता है विस्फोट होना। एंड फायर्स आर स्टार्टेड, और आग लग जाती है। अंडरग्राउंड रेलवेज आर रैक्ट, अंडरग्राउंड यानी कि जो भूमिगत रेलवे होता है, रेलवे लाइंस जो होती हैं वो
रैक्ट क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। रैक्ट मीन्स होता है क्षतिग्रस्त हो जाना या बर्बाद हो जाना। फॉल बिल्डिंग कोलैप्स, पूरी इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं। कोलैप्स मीन्स होता है ध्वस्त हो जाना। डैम्स बस्ट, जो डैम्स मीन्स होता है बांध, बांध फूट जाते हैं। ब्रिजेस फॉल्स, पुल हैं गिर जाते हैं। गैपिंग क्रेविसेस अपीयर इन बिजी स्ट्रीट्स, व्यस्त गलियों में बड़ी बड़ी दरारें पैदा हो जाती हैं, बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगती हैं। गैपिंग का मतलब होता है काफ़ी स्पेस हो जाना, जगह हो जाना। और क्रेविसेस मीन्स होता है दरारें। आगे देखें, इफ़ ए क्वेक स्ट्राइक्स एट सी, यदि ये जो कंपन है समुद्र में हमला करता है, समुद्र में आता है। ह्यूज टाइडल वेब स्वीप इन लैंड, ह्यूज टाइडल का मतलब होता है, आप देखते हैं जो ज्वार भाटा होता है, वो टाइड मीन्स होता है ज्वार। तो जो ज्वार होते हैं, ज्वार भाटे होते हैं, उनकी जो लहरें हैं स्वीप इन लैंड, वो द्वीप के काफ़ी अंदर तक सब कुछ साफ कर देती हैं। इफ़ इट स्ट्राइक्स इन माउंटेन रीजन्स, यदि यह पर्वतीय क्षेत्रों में हमला करता है या पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप आता है। माउंटेन मीन्स होता है पर्वत और रीजन्स मीन्स होता है क्षेत्र, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में यदि यह हमला करता है। एवलांचेस रोड इनटू द वैली, संपूर्ण घाटी तूफान में तब्दील हो जाती है। एवलांचेस मीन्स होता है बर्फीले तूफान, रोर यानी कि चारों तरफ बर्फीले तूफान का शोर होता है, यानी कि जो वैली है, वैली मीन्स होता है घाटी, वो तूफान के शोर में तब्दील हो जाती है। आगे देखें, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि ये जो यहाँ पर आपको सीन दिखाया जा रहा है किसी इमारत का, टूटती हुई इमारत का, वो भुज में जो अर्थक्वेक आया था, जो भूकंप आया था, उसका एक यहाँ पे सीन आपको दिया गया है। आगे चलिए चलते हैं जो अगला पेज है। कंसीडर द टेरिफाइंग स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द पास्ट, यदि हम अतीत के भयानक आंकड़ों को माने, कंसीडर मीन्स होता है मानना, और टेरिफाइंग स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है भयानक आंकड़े, खतरनाक आंकड़े फ्रॉम द पास्ट, अतीत के। इन द ईयर 1755 के वर्ष में लिस्बन कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है, द सिटी डिस्ट्रॉयड एंटायरली एंड 450 किल्ड, जो शहर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था एंड 450 लोग मर गए थे। 1970 में पेरू में 5000 लोग मर गए थे, 50000 लोग मर गए थे, 50,000 किल्ड। 1993 में लातूर मोर देन 7,600 पीपल डाइड, 7600 से अधिक लोग मारे गए थे। अबाउट 16,000 इंजर्ड, लगभग 16,000 लोग घायल हो गए थे। एंड मोर देन 3,000 हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड, और लगभग 3,000 घर थे पूर्णतः नष्ट हो गए थे। 25 विलेजेस वर कम्प्लीटली वाइप्ड आउट, यानी कि 25 जो गांव थे वो पूर्णतः साफ हो गए थे। वाइप्ड आउट का मतलब होता है साफ हो जाना। फाइल, जबकि 58 सफर्ड सीवर डैमेज, जो जबकि 58 जो गांव थे वो गंभीर खतरे से सामना कर रहे थे, यानी कि वहां पर बहुत बड़ी समस्याएं थी, पूरी तरह से साफ नहीं हुए थे, लेकिन जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी तरह डैमेज हो गई थी, नष्ट हो गई थी। 2001 में भुज एस्टिमेटेड कैजुअल्टी, भुज में जो भूकंप आया था, जो आपने पहले पिक्चर देखी थी इसमें जो दिखाई गई है, एस्टिमेटेड संभवतः है कैजुअल्टी, जो मृत्यु के जो आंकड़े थे वो 20,000 से 100,000 तक थे। वाइल द ऑफिशियल डेथ टोल वाज, लेकिन जो आधिकारिक जो मृत्यु के आंकड़े प्रदान किए गए थे वो थे 20,000, यानी कि 20,000 मृत्यु आधिकारिक तौर पर घोषणा करी गई थी। इन 2004 में द बिगेस्ट अर्थक्वेक फॉर 40 ईयर्स ऑक्योर्ड इन द इंडियन ओशियन, ट्रिगरिंग ए सुनामी विच कार्व्ड ए पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन अक्रॉस द 500 किलोमीटर वाइड ओशियन, लास्टिंग ए पीरियड ऑफ 7 आवर्स, लीविंग 1,86,983 people died and 42,883 missing। यानी कि यहाँ पर देखें 2004 में जो सबसे बड़ा भूकंप आया था फॉर 40 ईयर्स ऑक्योर, जिसको जो 40 साल बाद आया था इन द इंडियन ओशियन, भारतीय महासागर है, ट्रिगरिंग ए सुनामी, उसने एक सुनामी का रूप ले लिया था। विच कार्व्ड ए पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो विनाश का एक
कारण बना था अक्रॉस द 4500 किलोमीटर वाइड ओशियन लास्टिंग ए पीरियड ऑफ 7 आवर्स, यानी कि 7 घंटे के समय में जो लगभग 4500 किलोमीटर वाइड जो क्षेत्र था ओशियन महासागर का, उसको उसने चौपट कर दिया था, लीविंग जिसमें 186,983 पीपल की मौत हो गई थी एंड 42,843 लोग आज भी मिसिंग हैं, यानी कि पूर्णतः लापता हो गए हैं। आगे देखिए, अर्लियर इससे पूर्व इन 1968 में एन अर्थक्वेक स्ट्रक अलास्का, जो अलास्का में जो अर्थक्वेक आया था। एज दिस इज ए रिलेटिवली अनपॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, भले ही यह दुनिया का बिना जनसंख्या वाला हिस्सा हो जहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती है, क्योंकि जो अलास्का अमेरिका का एक हिस्सा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, और वहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है एज दिस इट इज़ रिलेटिवली अनपॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, भले ही इसका संबंध एक ऐसे हिस्से से हो जहाँ पर जनसंख्या नहीं रहती। ओनली अ फ्यू पीपल वर किल्ड, बहुत कम लोग मरे थे, बट इट इज़ लाइकली दैट द वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्वेक्स ever to have hit the world। लेकिन यहाँ पर जो भूकंप आया था, जो कंपन हुआ था, वो दुनिया में आने वाले भूकंपों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल था। जियोलॉजिस्ट भूगर्भशास्त्री एस्टिमेटेड, संभवतः अनुमान लगाते हैं दैट ड्यूरिंग द ट्रेमर्स, ट्रेमर्स मीन्स होता है कंपन, जियोलॉजिस्ट एस्टिमेट दैट ड्यूरिंग द ट्रेमर्स, भूगर्भशास्त्री का अनुमान है कि इस कंपन के दौरान द वॉल ऑफ द स्टेट मूव्ड अबाउट 80 फीट फार्दर वेस्ट, कि जो पूरा जो राज्य था, वॉल ऑफ द स्टेट पूरा राज्य मूव्ड अबाउट 80 फीट फार्दर वेस्ट, वो पश्चिम की तरफ खिसक गया था। मूव्ड का मतलब होता है खिसक जाना, यानी कि पूरा पूरा जो स्टेट था, जो राज्य का जो धरातल था, वो पश्चिम की तरफ 80 फीट खिसक गया था। इनटू द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में होता है प्रशांत महासागर। इमेजिन द पावर ऑफ समथिंग दैट कैन मूव एन एंटायर सब कॉन्टिनेंट, आप इस शक्ति का अंदाजा कल्पना करिए कि कितनी उसमें शक्ति होगी जो एक उपमहाद्वीप को, पूरे उपमहाद्वीप को इतना खिसका सकती है, यानी कि जो 80 फीट की जो दूरी है किसी सब कॉन्टिनेंट, किसी महाद्वीप को अगर खिसका दे तो वह शक्ति कितनी पावरफुल होगी। दिस इज द प्रॉब्लम दैट फेस द साइंटिस्ट, यही एक समस्या है जिसका सामना वैज्ञानिक करते हैं। दे आर डीलिंग विथ फोर्सेस दैट आर सो इमेंसली पावरफुल दैट मैन कैन नॉट होप टू रेसिस्ट देम, दे आर डीलिंग विथ फोर्सेस, वो इसी तरह के बल, इसी तरह की शक्तियों से सामना करते हैं, दैट आर सो इमेंसली पावरफुल, जो बहुत ही तीव्र तरीके से, बहुत ही घातक तरीके से शक्तिशाली हैं, दैट मैन कैन नॉट होप टू रेसिस्ट देम, जिनके बारे में इंसान कभी भी उनका प्रतिरोध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, आशा भी नहीं कर सकता। ऑल दैट कैन बी डन, लेकिन यह सब कुछ हो सकता है, इज टू ट्राई टू पिन पॉइंट जस्ट वेयर द अर्थक्वेक विल स्ट्राइक। All that can be done, लेकिन यह सब किया जा सकता है, is to try to pinpoint just where the earthquake will strike and work from them। लेकिन यह जो किया जा सकता है कि अर्थक्वेक किस जगह पर स्ट्राइक करता है, पिनपॉइंट उस बिंदु को खोजा जाए कि कहाँ पर अर्थक्वेक भूकंप पैदा होता है, एंड वर्क फ्रॉम देयर, और वह कहाँ तक काम करता है, यानी कि एंड वर्क फ्रॉम देयर, वहाँ कहाँ से उठता है, ये इस पर काम किया जाना चाहिए, या इस पर काम किया जा सकता है। आगे देखिए, बट फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले, जस्ट व्हाट इज एन अर्थक्वेक, भूकंप क्या है, एंड व्हाट काजेज इट, इसके परिणाम, इसके कारण क्या हैं। इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के पहले इतिहास में, यानी कि पृथ्वी के पूर्व के इतिहास में, व्हेन इट वाज कूलिंग डाउन, जब यह ठंडी थी, यानी कि पृथ्वी जब ठंडी थी, द रॉक्स डीप्स इनटू द अर्थ क्रस्ट क्रिएटेड ह्यूज इजलैंड व्हिच फ्लोटेड ओवर द सॉफ्टर एंड हॉटर रॉक्स बेलो, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है
कि जब पृथ्वी ठंडी थी, द रॉक्स डीप इन द अर्थ क्रस्ट, तो जो चट्टानें थी पृथ्वी की सतह, क्रस्ट मीन्स होता है सतह या भूपरपटी, पृथ्वी की जो भूपरपटी थी उसके काफ़ी गहरे, ह्यूज आइलैंड क्रिएटेड, ह्यूज आइलैंड, बहुत बड़े बड़े द्वीप बनाए गए थे, विच फ्लोटेड ऑन द सॉफ्टर एंड हॉटर रॉक्स बेलो, जो ये द्वीप थे वो बहुत ही कोमल और गर्म चट्टानों के ऊपर तैर रहे थे, फ्लोटेड मीन्स होता है तैरना, रेदर लाइक वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर, ऐसे तैर रहे थे जिस तरह से लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है, स्लोली धीरे धीरे, दीज आइलैंड ड्रिफ्टेड पार्ट टू मेक द लैंड मासेस वी नो टुडे एज कॉन्टिनेंट्स, ये धीरे धीरे ये जो द्वीप हैं आपस में एक दूसरे की तरफ जुड़ते गए और ये इन्होंने अपना आज एक विशाल रूप ले लिया, वी नो टुडे एज कॉन्टिनेंट्स, जिसे हम आज महाद्वीप के नाम से जानते हैं, कॉन्टिनेंट मीन्स होता है महाद्वीप, बट इवन नाउ, लेकिन अभी तक दीज आइलैंड्स आर नॉट स्टेबल, लेकिन ये द्वीप अभी भी स्थिर नहीं है, स्टेबल मीन्स होता है स्थिर होना, यानी कि आप देखते हैं कि यदि आपने भूगोल पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि ये जितने भी हमारे महा जो द्वीप हैं, महाद्वीप हैं, ये काफ़ी दूरी दूरी पर स्थित थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टाइम बढ़ता गया ये आपस में एक दूसरे की तरफ खींचते गए, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण है इन पर भी काम करता गया और आके ये जो पूरी पृथ्वी है, जितने भी आइलैंड है, वो आपस में एक दूसरे जुड़ गए और आप देखते हैं कि एक देश की जो सीमा है दूसरे देश दूसरे से टच हो गई, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अभी भी ये जो मूवमेंट है वो लगातार जारी है, अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, यानी कि जो द्वीप हैं इनकी जो मूवमेंट है वो आज भी स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, आज भी उनमें किसी न किसी तरह मूवमेंट हो रहा है, भले ही वह इतना धीमे गति से होता है कि हम लोगों को और मानव जाति को समझ में ही नहीं आता। सामान्य तौर पर एक इंसान 100 साल जीता है और 100 साल में कुछ विशेष फर्क इनकी मूवमेंट में समझ में नहीं आता। आगे देखिए, एंड आर स्टिल ड्रिफ्टिंग वेरी वेरी स्लो, और इनकी जो गति है वो बहुत ही धीमी है, बहुत ही धीमी है। इट इज दीज इम्परसेप्टेबल मूवमेंट्स, इम्परसेप्टेबल का मतलब होता है ना जानने योग्य, यदि जिसे जाना ना जा सके, यह जो गति है वो इतनी धीमी है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उसको जाना नहीं जा सकता, विच क्रिएट स्ट्रेस इन द रॉक्स, लेकिन ये धीरे धीरे चट्टानों में तनाव पैदा करती है, क्रिएट स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स होता है तनाव, इन द रॉक, रॉक मीन्स होता है चट्टान में, मैनी माइल्स बिलो द सरफेस, यानी कि भूपरपटी के कई मील नीचे चट्टानों में यह तनाव पैदा करती है, एवर सो ऑफन, कभी न कभी वन ऑफ दिस स्ट्रेस विल ब्रेक, यह जो तनाव है कभी न कभी टूटेगा, एंड ऑन द सरफेस, और भूपरपटी में द डीप अंडरग्राउंड मूवमेंट इज फेल्ट एज एन अर्थक्वेक, यह जो गहरे जमीन में गहरी भूमिगत सतह के अंदर जो मूवमेंट होगा उसे ऊपरी सतह में, यानी कि भूपरपट में जहाँ हम लोग रहते हैं, उसे अर्थक्वेक के रूप में महसूस करते हैं, भूकंप के रूप में महसूस करते हैं, यानी कि इस पैरा में आप देखिए कि अर्थक्वेक क्या है और इसके कारण क्या है वो यहाँ पर बताया गया है।